हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे व्हाट इज PPE, फिर व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ PPE, फिर है व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि PPE की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अपनी पहली क्वेश्चन, व्हाट इज PPE, यानी कि PPE क्या है या PPE किसे कहते हैं। PPE इज एनी फिजिकल मटेरियल और इक्विपमेंट दैट सेव्स आवर बॉडी फ्रॉम हैजार्ड्स एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क। मतलब PPE कोई फिजिकल मटेरियल या इक्विपमेंट है जो हमारे शरीर को खतरों से बचाता है या रिस्क के लेवल को कम करता है। जैसे कि अगर आप सेफ्टी हेलमेट पहने हुए हैं और वर्क साइट पर घूम रहे हैं, तभी अचानक से कोई मटेरियल या कोई चीज़ आपके सिर पर गिरती है, तो सेफ्टी हेलमेट उससे आपको चोट लगने से बचाता है, या चोट भी लगता है तो वह माइनर चोट ही होता है। इस प्रकार सेफ्टी हेलमेट आपके बॉडी को चोट लगने से बचाया या रिस्क के लेवल को कम किया। ठीक इसी प्रकार सारे PPE हमारे शरीर को चोट लगने से बचाते हैं या रिस्क के लेवल को कम करते हैं। हमारी अगली क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ PPE, यानी कि PPE का जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है या PPE की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। इसमें पहला है प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हैजार्ड्स, यानी कि PPE की ज़रूरत हमारे बॉडी को खतरों से बचाने के लिए होती है। मतलब कि PPE हमारे बॉडी को खतरों से बचाती है। अगला है गिव्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, यानी कि PPE हमें रिस्क से पर्याप्त सुरक्षा देता है। मतलब अगर आप पर्याप्त PPE पहनकर काम कर रहे हैं तो PPE उस काम से होने वाले रिस्क से हमें बचाता है। अगला है सुटेबिलिटी फॉर इट्स यूजर, यानी कि PPE अपने यूजर्स को काम करते वक्त सुटेबिलिटी देता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ कारण जिनके लिए हमें PPE की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली क्वेश्चन है व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि फ्रेंड्स जो PPE की ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप PPE को ऐसे ही नहीं दे सकते, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। अगर आप किसी वर्कर को PPE देते हैं तो उसे उस PPE की ट्रेनिंग भी देंगे। तो ट्रेनिंग कैसे देंगे और क्या क्या देंगे, आइए देखते हैं। पहला है वेन टू वियर PPE, यानी कि PPE को कब पहनना चाहिए या कब पहनना है। अब सपोज कीजिए अगर आप कहीं बाहर खड़े हैं या खड़े खड़े काम कर रहे हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट बांधने से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपको PPE कब पहनना है। आइए देखते हैं अगला है व्हाट PPE टू बी ओल्ड, यानी कि कौन सा PPE कब पहनना है, इसकी ट्रेनिंग देनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम ही या ना के बराबर ही वर्क्स होते हैं जिसमें हमें सभी PPE की ज़रूरत होती है। सपोज कीजिए अगर आप 2 या 3 मंजिले पर काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे पहनना अनिवार्य है। अब उस समय स्काबा तो नहीं पहनेंगे, वहाँ स्काबा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वर्कर्स को इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी PPE कब पहनना है। अगला है हाउ टू वियर एंड एडजस्ट PPE, मतलब PPE कैसे पहनना है और कैसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब अगर आपका जूता ढीला है तो अपने साइज का जूता ले, या फिर उसमें कुछ लगा सकते हैं जिससे कि वो ढीला ना हो। और इसमें हमें कोई भी PPE कैसे पहनना है इसका भी ट्रेनिंग देना है। अगर आप सेफ्टी हेलमेट पहनते हैं तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग पहनेंगे, दूसरा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग पहनेगा। अगर आप सेफ्टी हेलमेट को ढीला पहनते हैं तो काम के दौरान अगर आप थोड़ा सा भी सिर नीचे या तिरछा करेंगे तो सेफ्टी हेलमेट सिर से गिर सकता है। और क्या पता जिस समय यह गिरा उसी समय कुछ ऊपर से गिरा, तो फिर इसे पहनने का क्या फ़ायदा। इसलिए किसी भी PPE को कैसे पहनना है इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगला है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ PPE। अब फ्रेंड्स, हम जिस चीज़ को पहन रहे हैं उसका केयर और मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। वर्कर्स या एम्प्लॉयज जिस PPE को पहन रहे हैं उन्हें उन PPE का केयर और मेंटेनेंस करने आना चाहिए, तो इसकी भी ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ कारण जिनके लिए हमें PPE की ट्रेनिंग वर्कर्स या एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।